हेलो सलाम नमस्कार पहलागु सरकार, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं मयंक और आज मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं सीबीए आसलान नशीर के एक वीडियो पे। वीडियो है पबजी और टिकटॉक बैन के बारे में। यार देखो, इसमें मैं एक वीडियो ऑलरेडी डक्की भाई पे बना चुका हूं, लेकिन यार सीबीए आसलान नशीर इनका वर्जन थोड़ा अलग होता है, कुछ और कुछ जानने को मिलेगा। और आपके साथ देखने में वीडियो, आपको पता है मुझे कितना मजा आता है, तो अंत तक बने रहे। अंत तक बने रहने से पहले जो रेड वाला बटन है यार, उसको वाइट कर दो, उसको क्लिक कर दो, तोड़ दो, फोड़ दो, उसके साथ टिकटॉक खेल लो। लेकिन यार वो क्लिक हो जाना चाहिए, लगे हाथ इंस्टाग्राम पे भी आ जाना। इंस्टाग्राम की आईडी लेजी जीनियस MNK फॉलो कर लेना, वहां पे मिल सकता है आपको शाउट आउट, या फिर अपने चैनल को आप प्रमोट करवा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सीबीए आसलान नशीर के इस वीडियो को, जिसका टाइटल है पबजी एंड टिकटॉक बैन। सीबीए रीवाइंड की आज की इस एपिसोड के अंदर मिलेगा टिकी टॉकी का हुआ इंडिया में बैन, और इंडिया के टिकटॉक के जवाब में पाकिस्तान ने कर दिया पबजी को बैन। फास्ट यूनिवर्सिटी के मीमर्स के खिलाफ मैनेजमेंट ने किया ऐलान जंग। मुफ्त की ऐप ने बनाया हम सबको प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर। एग्जाम में पर्ची की मदद से पास होने वाले हमारे पायलट्स, हलीमा सुल्तान 0, कीबोर्ड जहादीज 1, क्रिकेटर्स के नकली कोरोना टेस्ट और बहुत कुछ। लेकिन सबसे पहले मेरी तरफ से और हमारी पूरी जो सीबीए आर्मी है उनकी तरफ से एक शानदार सलूट टू दीज ब्रेव सोल्जर्स, और वो जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया है कराची स्टॉक एक्सचेंज अटैक को नाकारा बनाने के लिए। सबसे पहले बात करेंगे इस सदी की शायद सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के बारे में, जो मेरी अकल से तो बाहर। पाकिस्तान में पबजी जो है वो बैन हो चुकी है, क्योंकि इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा जो मसला है वो पबजी ही है। लोग भूख से मर रहे हैं, महंगाई से मर रहे हैं, कोरोना से मर रहे हैं, लेकिन प्रायोरिटी हमेशा स्ट्रेट ही होनी चाहिए, और वो है वीडियो। अगर किसी ने खुदकुशी कर ली और इस प्रोजेक्ट के ऊपर जो है इस गेम को बैन किया जा रहा है, तो बहुत से हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है वो इतना ज्यादा प्रेशराइज करते हैं हमारे स्टूडेंट्स को कि वो भी ये हरकत करने पर मजबूर हो जाते हैं। क्या उस वजह से हम एजुकेशन को बैन करते हैं? कह रहे हैं जी बहुत ज्यादा एडिक्टिव थी ये गेम, तो यार वैसे कौन से हम बहुत ज्यादा हेल्दी एक्टिविटीज के अंदर बिजी होते हैं? अगर कोई भी चीज को हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे तो वो तो हमेशा नुकसानदेही हो जाएगी। इसकी मिसाल तो बर्गर्स भी हैं, अगर आप बर्गर्स को भी बहुत ज्यादा खाना शुरू हो जाएंगे या जंक फूड को बहुत ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो वो भी नुकसानदेही है, उनको भी बैन कर दें। यहां पर बात आ जाती है हमारी परवरिश की, हमारे पेरेंट्स की, कि कम से कम उनको अपने बच्चों को एजुकेट करना चाहिए कि क्या चीज अच्छी है और क्या चीज बुरी। वो तो कभी होगा नहीं, हमारे तो पेरेंट्स को पता भी नहीं कि वीडियो गेमिंग के ऊपर जो एक एज फिल्टर भी होता है। हर वीडियो गेम के ऊपर एक बड़ा बड़ा नंबर लिखा हुआ था, जिसके अंदर यह बताया जा रहा था कि कितने साल के बच्चों के लिए सूटेबल है और उससे कम उम्र के बच्चे नहीं खेल सकते। हमारी पूरी आवाम जो है वो GTA 5 खेल रही है, जिसके अंदर छोटे छोटे बच्चे जो है वो धंधा करने वाली खवातीन के साथ मिशंस कर रहे हैं, और हमारे पेरेंट्स पीछे खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं। चलो और कुछ हो ना हो, हमारी अम्मियां जो है वो बहुत ज्यादा खुश होना शुरू हो जाएंगे कि अब हमारे बच्चे जो है बहुत ज्यादा काबिल हो जाएंगे और बड़ा प्रोडक्टिव किस्म का काम करेंगे। तो मैं आपको बताता चलूं कि अगर वो पहले एक वीडियो गेम को 4 घंटे दे रहे थे, तो अब 4 वीडियो गेम्स को 1-1 घंटा दे देंगे। बात वहीं पे रही। वैसे बेहतरीन किस्म का रिश्ता कायम हो चुका है पाकिस्तान और इंडिया की यूथ जो है उनके बीच में, क्योंकि इंडिया के अंदर जब टिकटॉक बैन हुआ था तो पाकिस्तान की वो सारी आवाम जो टिकटॉक के ऊपर बैठी हुई है वो डर गई, और अब जब पाकिस्तान के अंदर पबजी बैन हुआ है तो इंडिया के अंदर वो सारी आवाम जो डिजिटल फौजी बन के बैठी हुई है वो डर गई। चूंकि हमारे माँ बाप की जनरेशन भी इस तरह सोचती है, और ये वही जनरेशन है जो इस वक्त डिसीजंस भी ले रही है, तो उनको लगता है कि जितने भी मसाले उनके घर के अंदर हैं या घर से बाहर हैं, उसका रीजन कहीं ना कहीं मोबाइल चाइनीज रहता तो बैन हो जाता है। किस माँ के साथ लगा हुआ मोबाइल के अंदर, ये वही माँ है जिनको एक एक करके जो बैन बनाया कोरिया ने, इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया टिकटॉक। और बॉर्डर पे टेंशन के अलावा ये रीजन बनाया कि ये एप्लीकेशन जो है वो आपका पर्सनल डेटा जो है वो कलेक्ट करके चाइनीज गवर्नमेंट को भेज रहे। बात तो मेरे ख्याल में सच है, क्योंकि ये बात इससे पहले बहुत से इंटरनेशनल ब्लॉग्स भी हाईलाइट कर चुके हैं। लेकिन सवाल ये कि आखिर डेटा जा क्या रहा है चाइनीज गवर्नमेंट के पास? क्या डेटा ये है कि टैल्कम पाउडर की फूकों में से स्लो मोशन के अंदर खवातीन जो है वो मेकअप में लिपटी हुई निकल रही हैं, लड़के लड़कियों के जर्मन शेपर्ड के रंग वाले जो है वो हेयर स्टाइल हुए हैं, स्लो मोशन में टखनों से ऊपर की हुई टाइट पेंटो वाले लोंडे? मैं तो जब भी टिकटॉक देखता हूं कोई ना कोई एक बंदा जो है वो एक घुटना जमीन पर रख के अपने लेसेस मांग रहा है, और पीछे से कोई उसकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड जो है वो डाल रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि इस सब डेटा का आखिर चाइना करेगा क्या? टिकटॉक तो बंद हो गए, लेकिन इंडिया वालों से गुजारिश है कि जो आपका टीवी के ऊपर टिकटॉक स्टार बैठा हुआ है ना, इसका कुछ मुझे लगता है कि इसको कोई गांजा का नाम लेके ना हरा धनिया कूट के बेच रहा है, जिसको ये साड़ साड़ के फूंक रहा है, और जो धुआं है ना वो इसके फेफड़ों में जाने की बजाय इसके दिमाग के ऊपर जम गया। इसको कोई ब्रेक दे दे यार, इसको थोड़े से के लिए छुट्टी दे दो, या फिर इसको के नाक को पकड़ के जो है ना जोर से सांस ले ताकि काम से थोड़ा बहुत धुआं। वो होता है ना लड़की आपसे पेन मांग लेती है और आपके दिमाग के अंदर जो शादी की मुहूर्त भी निकलना शुरू होती है, वैसे ही कुछ हुआ इस बेचारे के अंदर जो है ना इस बैन के बाद से।
अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इस कॉम के अंदर हर बंदा जो है वो अभी ग्राफिक डिजाइनर भी बन चुका है। इनको चाहिए कि अपनी बायो के अंदर ग्राफिक डिजाइनर भी निकाल दें, क्योंकि टिकटॉक वाले तो पहले ही डांसर्स और एक्टर्स हैं, इंस्टाग्राम वाले मॉडल्स, यूट्यूब वाले जो है वो ऑनलाइन बुलियन के एक्सपर्ट हैं, और पबजी वाले जो है वो प्रोफेशनल फौजी। खैर जिधर देखो पीली पीली जो ये पिक्चर्स जो है वो हर किसी ने अपलोड की हुई है। वो कुछ साल पहले वो एक प्रिज्मा नाम की एक एप्लीकेशन आई थी, उसमें ये पिक्चर जो है सब डाल के पिकासो बने हुए थे। और ये जो फोटो लैब है ये उसी का कोई दूसरा जन्म है। वैसे ही दूसरे जन्म की बात मुझे समझ नहीं आती, क्योंकि हर कुछ सालों के बाद जो है एक एप्लीकेशन जो है वो दूसरा जन्म लेके दोबारा आ जाती है, दोबारा से वायरल हो जाती है। वो वाइंस आया था, फिर वही ट्रेंड दूसरा जन्म लेके म्यूजिकली बना, और फिर वही ट्रेंड तीसरा जन्म लेके टिकटॉक बन गया। हमारी कीबोर्ड जहादियों को मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा, क्योंकि आप लोगों की मेहनत जो है वो अब रंग ला चुकी है। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हलीमा सुल्तान जो है इल्तुतमिश की बीवी जो है, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर एक मच्छेरन वाली पिक्चर अपलोड की थी, और अपनी पास्ट की गलतियों से सबक हासिल करते हुए उन्होंने कमेंट्स ही डिसेबल कर दी। पता इनको भी चल गया कि इस किस्म के क्राउड को जो है उन्होंने अट्रैक्ट कर लिया है, और अब इसे जान छुड़ाना कितना मुश्किल हो गया। लेकिन फिर भी बहुत ही प्यार भरे वीडियो मैसेज भेज देने, जिसके अंदर वो ये भी कह रहे हैं कि हम लोग पाकिस्तान भी ट्रैवल करेंगे और आप लोगों से जरूर मिलेंगे। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर उनको मिलने लगी है ब्रांड्स की तरफ से बेहतरीन किस्म की डील्स, और उसमें उनको इतना पैसा मिलेगा जो शायद टर्की में भी नहीं मिलता, क्योंकि गोरी चमड़ी देख के तो हम लोग वैसे ही पागल हो जाते हैं। वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान में ट्रैवल करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये होगी कि वो यहाँ पर आकर शूटिंग कर रहे हो, और उसकी वजह से हमारी आवाम ने उनको प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट से भी ज्यादा इज्जत देनी शुरू कर देनी है। और बहुत से हमारे सेलिब्रिटीज जो है वो इस बात पर चीखना शुरू हो जाएंगे कि ये हमारी रोजी खा गए, और इस सबको दूर से बैठ के एंजॉय कर रहा होगा मिस्टर शान। मैं कहता हूँ पाकिस्तान के अंदर कोई प्रोफेशन वाले कंफर्म जन्नत ही है ना, तो वो है कराची इलेक्ट्रिक वाले। इनको इतनी गालियां पड़ती हैं कि ये बगैर किसी हिसाब किताब की जन्नत में चले जाएं। नेक्स्ट लेवल अन्नी इन्होंने मचाई हुई कराची के अंदर। बाहर लोग जो है कोरोना की वजह से मर रहे हैं, और अंदर जो है वो गर्मी की वजह से मर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने लोगों को ये कन्विंस किया कि आप लोग प्लीज बाहर ना निकलें, घरों के अंदर बैठे रहें, और घरों के अंदर लाइट ही नहीं तो वो मजबूरन जो है बाहर ही निकल रहे हैं। वो किसी ने ये पुराने वाला टीवी सी शेयर किया होता है, जिसके अंदर शाहरुख खान का डुप्लीकेट जो है बोल रहा होता है कि पाकिस्तान में कितना मजा आ रहा होगा, यार तू आ जा पाकिस्तान के अंदर और इधर जितने मजे ना सब लूट ले। उससे असेंबली में भी दौरान इजलास जो है लाइट चली गई थी, और एक तो गर्मी ऊपर से पंखा भी नहीं, ऊपर से मुंह के ऊपर भी जो है वो गलाफ चढ़ाया हुआ है। ऐसे मौकों पर मैं तो कहता हूँ कि इनको कम से कम धोती पहनने की इजाजत होनी चाहिए, कहीं से तो हवा जो है वो एंटर हो सके ना, किसी सुराख से तो सांस लिया जा सके। बट चलो जो भी हो, ये कोई हरकत है कि गरीब एम्प्लॉइज को जो है आप लोगों ने खंबे के साथ बांध दी और आप उसका तमाशा भी बना रहे हैं? गरीबों के सामने ही हमारी सब बदमाशी और फ्रस्ट्रेशन निकलती है, क्योंकि अमीरजादों के सामने तो हमारी गिग्गी हो जाती है। कि जब सिस्टम के खिलाफ यूनाइट होकर खड़े होने की बात होती है, तो तब हम ये कह रहे होते हैं कि यार हमारा मसला तो नहीं, हम किसी और के मसले के अंदर क्यों पड़े। 70 साल से इस मुल्क के ऊपर सिर्फ 5 खानदान जो है वो हुक्मरानी कर रहे हैं, लेकिन उनके सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता, क्योंकि हमारा जोर चलता है तो सिर्फ और सिर्फ उस बंदे के ऊपर जो इन रिटर्न हमें वापस थप्पड़ नहीं मार सकता। और यही सब कुछ हो रहा होता है ऑनलाइन हेट के ऊपर भी। हम लोग जो है वो हेट कमेंट्स लिख रहे होते हैं स्क्रीन के पीछे छुप के, क्योंकि हमें पता है कि अगला बंदा जो है वो जूता उतार के हमारे मुंह पे नहीं मार सकता। वो पहले खबर आई थी कि 10 पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं वो उनका टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ गया, तो उनके घर के अंदर जो है वो मातम शुरू हो गया। इतने में हफीज साहब जो हैं उन्होंने चुपके से जाके किसी पढ़े लिखे आदमी से अपना टेस्ट करवा दिया, और वो आ गया नेगेटिव। तो उन्होंने ये ऐलान जो है वो जाके ट्विटर के ऊपर कर दिया, जिसके बाद पीसीबी जो है वो बड़ा नाराज भी हो गया, यार आपने सबके सामने हमारी बिस्ती करा दी। बाद में खबरें ये भी आई कि मजीद 4 प्लेयर्स जो है उनका भी टेस्ट जो है वो नेगेटिव आ रहा है। यार ये कोरोना के टेस्ट हो रहे हैं, हमारी बैटिंग की बात हो रही है जो कि इतनी अनप्रेडिक्टेबल है। टेस्ट का कोई भरोसा ही नहीं, कभी पॉजिटिव हो रहे कभी नेगेटिव हो रहे। मैं तो कह रहा हूँ पॉजिटिव भी आ गया नेगेटिव भी आ गया, अब फाइनल डिसीजन के लिए जो है थर्ड अंपायर को भेज दिया जाए। वैसे कोई पता भी नहीं है कि वो बेचारे अभी तक पॉजिटिव हो, और उनको कह दिया कि बस यार चुप करके नेगेटिव हो जाओ और उधर चले जाओ, जब भी खांसी वैसी करनी हो ना तो बगलों के अंदर खांस लेना, और अगर इंग्लैंड का कोई बैट्समैन आउट ना आ रहा हो तो उसके मुंह में जाके खांस देना। सो सीन कुछ इस तरह है कि 150 पायलट्स निकले हैं जिनके लाइसेंसेस जो है वो मेरा ख्याल में नकली, कोई चीटिंग करके पास हुए और किसी ने किसी और को जो है भेज दिया मेरी जगह पे जाके पेपर दे। ये सब वही लोग हैं जो बचपन के अंदर जुराबों के अंदर पर्चियां डाल के जो है एग्जामिनेशन हॉल में जाते थे। और हमारी कौम को इस खबर का सुनकर बहुत ज्यादा हैरानगी हो रही है, और मुझे इस चीज की हैरानगी हो रही है कि ये हैरान होने की कौन सी बात है। इस मुल्क में कौन सा काम जो है वो सीधे तरीके से होता है? हर चीज तो मिलावट के साथ और नकली मिल रही है। दवाइयां नकली, गोश्त नकली, पानी में दूध, लाल मिर्चों में ईंटें पिसी हुई होती हैं, और हम हैरान हो रहे हैं कि पायलट्स के जो लाइसेंसेस हैं वो किस तरह नकली हो सकते हैं। यहाँ हर बंदा अपनी औकात के मुताबिक करप्शन कर रहा है। लेटेस्ट खबर ये है कि जो इंटरनेशनल हमारे पायलट्स हैं वो ग्राउंड होना शुरू हो गए हैं, हमारी PIA जो है वो बैन होना शुरू हो गई, मेरे ख्याल में EU में बैन भी हो चुकी है, और इसी की वजह से बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि हमारा जो है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बड़ी बेइज्जती हुई है और गवर्नमेंट को इस तरह नहीं करना चाहिए। तो मेरा सवाल ये है कि क्या हम लोगों को नहीं पता कि ये कब से ही सब कुछ चल रहा है? मेरे ख्याल में 30 साल से तो मैं सुन रहा हूँ कि PIA के अंदर जितनी भी भर्ती हैं वो रेफरेंसेस की बेस के ऊपर पॉलिटिकल बैकिंग के साथ हुई है। तो क्या आपको लगता है कि इससे पहले कोई भी ऐसी ऑडिट रिपोर्ट नहीं आई होगी, लेकिन उनके खिलाफ एक्शन इसलिए नहीं लिया जा सकता था क्योंकि पॉलिटिकल बैकिंग थी? इस तरह की करप्शन को खत्म करने के लिए इंटरनेशनल लेवल का प्रेशर होना जरूरी है। वहां के जब लॉ मेकर्स इस सबके अंदर इन्वॉल्व होंगे तभी ये सब कुछ ठीक हो सकता है, नहीं तो हमसे हो ही नहीं सकता। ये थी बहुत से हमारे लोकल पायलट्स को यहीं के सर्टिफिकेट्स के ऊपर इंटरनेशनल एयरलाइंस के अंदर नौकरी मिली, और वहां पर गोरों की जो जान होती है ना
वो है बहुत इंपॉर्टेंट, उनको इंसान समझा जाता है, पाकिस्तान वाला हाल नहीं है वहां पर। जो हदीसें हमने सुनी हुई है ना वो वहां पर लागू होती है, इसलिए उनकी जानों के लिए ये बहुत जरूरी है कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये बात एक्सपोज हो ताकि सब लोगों का दोबारा से जो है वो ऑडिट। मैंने सुना है कि फास्ट यूनिवर्सिटी ने जो है वो अपने कुछ स्टूडेंट्स को इस बात पे निकाला है कि वो मीमर्स हैं और उनके ग्रेड्स भी जो है वो भी डाउनग्रेड कर दिए। आप किसी की मेहनत से कमाए हुए ग्रेड को किस तरह कम कर सकते हैं? मतलब हमारी यूनिवर्सिटीज में आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स जो है वो हैं डिप्रेशन में, कोई बुली हो रहा है, कोई हरास हो रहा है, कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकता हमारी फीसें, ड्रग्स ऐसे कंज्यूम हो रही हैं जैसे चने खा रहे हैं। इधर लॉकडाउन में हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो 340p की जो रेजोल्यूशन है उसकी क्वालिटी के ऊपर जो है आपके लेक्चर सुन रहे हैं, जो कि वो किसी भी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के जो है ऑनलाइन बैठ के अटेंड कर सकते थे, और उनको डिग्री भी जो है वहां की मिलती है और वो उनको सस्ती भी पड़ती, लेकिन वो पैसे पूरे दे रहे हैं और स्टैंडर्ड भी उनका ये जा रहा है एजुकेशन का। बाहर नौकरियां ही नहीं है, आप लोग जो कोर्स पढ़ा रहे हैं वो 2003 के लिए रेलेवेंट था, अब जमाना जो है बिल्कुल बदल चुका है। पिछले 10 साल के अंदर वो नौकरियां हो रही हैं जो इससे पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, गेम डेवलपर्स हैं, ऐप डेवलपर्स हैं, स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स हैं, ये 2010 से पहले थे ही नहीं, और अभी यही लोग दिन की बेस के ऊपर मिलियंस कमा रहे हैं। दुनिया का उसूल है कि हर 50-60 साल के बाद जो है नई नई इंडस्ट्री जो है शुरू होना शुरू होती है, अभी भी वही चल रहा है, लेकिन सिर्फ फर्क ये कि अब हर 10 साल के बाद या हर 6-7 साल के बाद एक नई इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, और हमारे एजुकेशनिस्ट को कोई आइडिया नहीं है कि आगे क्या होने लगा है और हमने क्या लोगों को पढ़ाना है और आगे जाके इन्होंने करना क्या है। इधर पूरी दुनिया जो है 3G 4G के ऊपर लड़ रही है, और उसके बाद जो है 5G के लिए बड़ा जो है वो जबरदस्त किस्म की तैयारियां कर रही है। उधर इलॉन मस्क जो है उसने सैटेलाइट्स निकाल दी है, वो निकाली जा रहा है, 4-5 साल के अंदर इतनी सैटेलाइट्स घूम रही होंगी हमारे इक्वेटर के ऊपर जिनसे फ्री वाईफाई पूरी की पूरी दुनिया के अंदर जो है वो ट्रांसमिट होना शुरू हो जाए। तो अगर आपके पास हाई स्पीड इंटरनेट वाईफाई आ रहा है जिसके चार्जेस भी जो है वो बहुत ही कम है, तो आपको किसी मोबाइल कैरियर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस तरह खत्म हो जाती है इंडस्ट्रीज जिसके बारे में हम लोगों को भी कोई आइडिया ही नहीं। नए नए तरीके की जो है वो नौकरियां शुरू हो गई हैं, आप लोगों में जो ऑफिसेज हैं वही खत्म होना शुरू हो गए हैं, अब आपका ऑफिस जो है वो आपका लैपटॉप और आपका फोन होना शुरू हो गया जो कि आप अपनी जेब के अंदर लेके फिर रहे हैं। अभी जो लॉकडाउन हुआ ना उसकी वजह से बहुत सी कंपनीज के ऊपर ये रास्ता भी खुल जाएगा कि ये लोग तो घर में ही बैठ के वो सब काम कर सकते हैं जो हम इतने महंगे ऑफिस मेंटेन करने की वजह से अपनी कॉस्ट को ऊपर कर रहे हैं, तो बहुत से लोग जो है वो ऑफिसेज को ही खत्म करना शुरू हो जाएंगे। डिग्री का कॉन्सेप्ट वैसे ही खत्म हो चुका है, फेसबुक के अंदर जाने के लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, गूगल के अंदर जाने के लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं। ये सब कुछ चल रहा है हमारी पूरी दुनिया के अंदर, और हमारे एजुकेशनिस्ट जो हैं, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो हैं, वो इस चीज के ऊपर बिजी हैं कि मीम्स क्या बन रही है। भाई वाह, नहीं मतलब इमेजिन ये करेंगे जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस होगा उसके अंदर आखिर हुआ क्या होगा। मैं कमिंग सर, सर बच्चे डिप्रेशन में बैठे हैं, सर बच्चे नशे कर रहे हैं, सर ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर बच्चे जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं, सर बच्चों ने नहीं सुना। इसी नोट पे हम इस मेहंदी के फंक्शन को करना चाहेंगे इख्तिताम पजीर, और आपको मैं बताता चलूं कि कोरोना के केसेस जो हैं वो तकरीबन 2 लाख से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन खुशी की बात ये है कि 1 लाख से ज्यादा जो है वो रिकवर भी हो चुके हैं। उसके साथ साथ एक और खुशखबरी ये भी है कि हमारा चैनल जो है वो 4 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स के ऊपर चला गया है, लेकिन हमारी रेस लगी हुई इस मनहूस वबा के साथ। मैं नहीं चाहता कि ये वबा जो है वो मेरे चैनल से भी ऊपर चली जाए, तो इसलिए आप लोग का काम ये बनता है कि जो सब्सक्राइब का बटन है उसको मुलायम तरीके से रगड़ कर सब्सक्राइब कर दें, और ये जो लाइक का बटन है इसको कान से मरोड़ के इसको तो भैया बहुत सारी चीज़ें वो कवर किया है भाई साहब ने, और सबसे पहले बात की टिकटॉक वर्सेस पबजी की, तो सही बात है यार, यूथ जो है पबजी को लेके ज़्यादा नाराज़ है, टिकटॉक को लेके नहीं, टिकटॉक को लेके खुश है। तो यार इंडियंस वाले मज़े कर रहे हैं क्योंकि टिकटॉक बैन हो गया है, लेकिन पाकिस्तान वाले नाराज़ है क्योंकि पबजी बैन हो गया है। हाँ, अगर इंडिया में भी पबजी बैन हो जाता है तो यार बवाल हो जाएगा, सच बता रहा हूँ। बात करें PIA की, तो यार सरकारी चीज़ों में तो ऐसा होता ही है, लेकिन इसको ठीक भी किया जा सकता है अगर चाहत हो ठीक करने की। तो यार अगर इंटरनेशनल यूरोप कितने कंट्रीज है यार, 30 के आसपास कंट्री, एग्जैक्टली फिगर नहीं है लेकिन 30 के आसपास वहाँ पे है यूरोप में, उन सारे 30 के 30 जगहों पे पाकिस्तान की क्या इमेज बनी हुई कि यार वहाँ के एयरलाइंस है, जो सरकारी एयरलाइंस है, वहाँ के जो पायलट्स है वो फेक डिग्री के साथ हैं। तो यार इमेज बहुत मुश्किल से बनता है और उसको गिराने में टाइम नहीं लगता है, तो यार पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ये सोचना पड़ेगा। और बात करेगा डिप्रेशन की, तो डिप्रेशन से पार पाया जा सकता है बशर्ते जो पेरेंट्स हैं वो इसका ध्यान रखें, वो देखें कि उनके बच्चे कर क्या रहे हैं, वो सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, किसी चीज़ को लेके उसके दिमाग में कुछ गलत बात तो नहीं है, डिप्रेस तो नहीं हो रहा है। तो ये माँ बाप का ज़्यादा मेरे ख्याल से दायित्व बनता है कि वो देखें क्या कर रहे हैं, सीधा किसी एक चीज़ पे ठीकड़ा फोड़ दे कि हाँ इस वजह से डिप्रेशन में, या पबजी की वजह से, मतलब पबजी डिप्रेशन से निकलने का एक जरिया है। पबजी की वजह से डिप्रेशन में कौन जाता है, डिप्रेशन में हो
पबजी खेल लो तो जो जिस वजह से डिप्रेशन होते हो, कुछ समय के लिए, आधे घंटे के लिए, जितने देर आप खेल रहे हो उतने देर के लिए वो चीज़ आप भूल जाते हो, बंदे को मारने में लगे रहते हो। तो मेरे ख्याल से पबजी डिप्रेशन से बाहर निकलने का एक जरिया है, मेरे लिए तो है, बाकी का पता नहीं। बहरहाल कैसा लगा आपको ये वीडियो और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लाइक करना ना भूलें, एम करते कम से कम 1000 लाइक्स से। अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जी इंस्टाग्राम की आईडी फॉलो भी जरूर कर लें। पहली बार देख रहे तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो फिर खुश रहें, आबाद रहें, दिल्ली रहें या इस्लामाबाद रहें, अमन की आशा।